करके अगर लखमीनिया स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि खगड़िया और बरौनी के बीच में बेगूसराय को छोड़ के इससे बड़ा कोई राजस्व दे पहली बार, और इतना बड़ा राजस्व देने के बाद बेगूसराय के बाद दूसरा नंबर में रहने के बाद ये सब दिन संवेदनहीलता का शिकार होते हैं कि हमारे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का मेहनत रंग लाया। स्टेशन का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा हो रहा है, ठीक न, और यहाँ के लोगों की खुशी है। आपको हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, लखमीनिया स्टेशन के विकास के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत हैं। दोनों माननीय सांसद का है ना, माननीय गिरिराज सिंह जी का भी काफ़ी सार्थक पहल रहा है, माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का भी है। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि लखमीनिया स्टेशन का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा हो रहा है, ठीक ना, और बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों की खुशी है। बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आज बहुत उत्साह है यहाँ के लोगों में, ठीक ना। पुरुषोत्तम प्यारे जिला मंत्री बेगूसराय, लखमीनिया स्टेशन, विशेष करके अगर लखमीनिया स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि खगड़िया और बरौनी के बीच में बेगूसराय को छोड़ के इससे बड़ा कोई राजस्व देता होगा, सबसे पहली बात। और इतना बड़ा राजस्व देने के बाद बेगूसराय के बाद दूसरा नंबर में रहने के बाद ये सब दिन संवेदनहीनता का शिकार होते रहा, लेकिन हमारे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का मेहनत रंग लाया, इस पे आवाज़ उठाए, अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष अपनी बातों को रखे, मोदी जी के सामने अपनी बातों को रखे, और लखमीनिया स्टेशन को आज राष्ट्रीय लेवल का बना करके वो उनका प्रयास है इससे भी आगे ले जाए। लेकिन जिस स्तर से वो अभी तक खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि लखमीनिया स्टेशन यहाँ के जनता का सबसे बड़ा एक दिल का धड़कन है, और इस धड़कन ही अगर मान लीजिए अगर बंद रहे तो फिर पूरा शरीर बेकार है। धड़कन जब तक धड़कता रहेगा अपने जोश खरोश और जोश के साथ, तब तक जनता सभी खुशहाल रहेगा। सबसे पहले तो आपको हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, लखमीनिया स्टेशन के विकास के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह का, और अपने इस मिट्टी के लाल माननीय सांसद श्री राकेश सिन्हा जी का, जिनके सफलतम प्रयास से आज ये विकास देखने को मिल रहा है। पोस्टर वार ये कोई वार नहीं है, ये ओछी मानसिकता है। जिन लोगों को लगता है वो नहीं किए नहीं किए, तो आपस में इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। पार्टी दो खेमे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक ही खेमे में थी और है और रहेगा। बहुत खुशी की बात है कि दोनों माननीय सांसद का है ना, माननीय गिरिराज सिंह जी का भी काफ़ी सार्थक पहल रहा है, माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का भी है, और बहुत खुशी है कि हमारे जो भाजपा के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है माननीय मोदी जी के द्वारा और भाजपा के द्वारा इतना काम क्षेत्र में हो रहा है कि लोगों के बीच में काफ़ी हर्ष और उल्लास है कि विकास का एक नया गाथा बलिया में भी साहेब उपाल विधानसभा में भी गढ़ा जा रहा है।